हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से नवरात्रि मनाए होंगे, गरबा भी खेले होंगे। और देश भर में जब नवरात्रि मनाया जाता है, हमारे यहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा होते हैं और दुर्गा पूजा हम बंगालीज के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। मेनली 4 दिन हम लोग बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। दशमी के दिन प्रतिमा निरंजन हो जाते हैं और आज है पहला दिन यानी षष्ठी के दिन। और दादा और परी हम सब यूं ही सज धज के घर पे ही बैठे हैं, क्योंकि परी और दादा को बाहर ले जाना डॉक्टर ने मना कर दिया है, क्योंकि वो दोनों एक साथ बीमार पड़े हैं। और इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि बाहर से म्यूज़िक आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और दादा बहुत बीमार है तो पर ये भी थोड़ी ठीक है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कल हम सब बाहर जाने पाएंगे। तो ये है अगला दिन यानी सप्तमी के दिन। राहुल और मम्पू को मैंने बहुत इंसिस्ट करा तो वो दोनों अभी थोड़ी घूमने को जा रहे हैं। अगर दोनों के दोनों बच्चे ही एक साथ बीमार पड़े, वो भी दुर्गा पूजा के टाइम, तो पापा मम्मी की हालत तो बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो वो दोनों बहुत दुखी है। तो अभी परी नींद से जगी है तो मेरे साथ है वो, और वो दोनों घूम के आने के बाद हम सब मिल के हमारे जो यहाँ के पंडाल है वहाँ पे जाएंगे। तो अभी मुझे परी को खिलाना है, तैयार करनी है, तो देखो बहुत बीमार है दोनों। तो वो दोनों आने के बाद राहुल और मधुमिता हम सब हमारे यहाँ के जो पंडाल है वहाँ पे आई हूँ और परी को लेकर मैं बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे शेड है और दादा बलून्स खरीदने गए हैं। और ये है अष्टमी के दिन। तो सुबह सुबह नहा धो के सब तैयार होके पुष्पांजलि देने पंडाल पे जाते हैं। और इस साल मेरे सासू माँ हमारे साथ नहीं हैं, तो एक साल तक हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। तो मम्पू और राहुल वो लोग पुष्पांजलि देंगे, क्योंकि पुरोहित ने कहा है कि पोता पोती को दे सकते हैं वो, तो मैं और जेके नहीं पुष्पांजलि देने वाली हूँ। और ये साड़ी मैंने खरीद के दी है मम्पू को इस साल पूजा में। ये एक लिनन साड़ी है, जरी का बॉर्डर है। मम्पू को कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। तो सब मिलके पूजा पंडाल पे आए हैं और अभी पुष्पांजलि चल रहा है। और हमारे साथ हमारे देवरानी हैं, देवर जी हैं और दिया है। दिया को तो आप सब जानते हो, मेरे देवरानी की एकलौती बेटी है वो। और ये है हमारे दुर्गा प्रतिमा। मातृ रूपेण संस्थिता। तो अभी पुष्पांजलि कंप्लीट हो गया है और आज हम सब लंच करने बाहर जाने वाले हैं। मम्पू की पिताजी आए हैं और सब मिलके अभी जाने वाले हैं। वैसे तो हम सब बाहर ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन पूजा के टाइम एक आध बार ऐसा कर
जाते हैं। बाहर खाना अच्छा नहीं है। तो ये है जेके। ये है उत्तम ने, मापू की पिताजी। तो दादा को अभी के अभी प्रसाद खानी है। अभी हम सब एक रेस्तरां में हैं और ये है बिजोली ग्रिल, बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ के। तो एम्बियंस बहुत ही अच्छा है और मेरे साथ है परी और है तिया और उधर उस टेबल पर दोनों पप्पा जी, मम्पू और राहुल, साथ में दादा। और परी को लेकर मैं कितने दूर तक वीडियो बना पाऊंगी वो मैं नहीं जानती। कितने सारे बातें। तो यहाँ का खाना बहुत ही अजीज रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट। कैमन खेली दादा, कैमन खेली जेके जेके कौन खेले? राहुल मंडल की जय। तो इस तरह अष्टमी हम लोग मनाया है और अभी घर पे जाके नींद लेनी है। और ये है अगले दिन यानी नवमी के दिन यानी सेलिब्रेशन के लास्ट डे। तो हम सब तैयार होके अभी जा रहे हैं सीमा दी के घर। सीमा दी के घर में पास में ही पूजा होते हैं, बहुत ही धूमधाम से होते हैं। तो वो लोग बहुत इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं उस पूजा में। तो अभी उस पंडाल पे, सीमा दी के पाड़ा के पंडाल, वहाँ पे हम लोग दुर्गा माँ को देखने आए हैं। और दो दिन से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और इस पाड़ा के कोई भी घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सब यहाँ पे कर रहे हैं। और एक्सेप्ट सीमा दी के घर, क्योंकि हम लोग आए हैं तो सीमा दी को कुकिंग करनी पड़ी। तो सीमा दी हम लोगों को घुमा रहे हैं और अभी फंक्शन चल रहा है। तो पिछले साल भी हम लोग यहाँ पे आए थे, बहुत इंजॉय किया था। इस साल भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मून और मम्पू की एक
দিদি और ये है यहाँ के दुर्गा प्रतिमा दुर्गा माँ बहुत सुंदर बहुत गॉर्जियस दुर्गा माँ के साथ उनकी बेटा बेटियाँ गणेश जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी कार्तिक जी ऐसा ही बोलते हैं पता नहीं हम सब बंगालीज कहते हैं कार्तिक ठाकुर सरस्वती ठाकुर गणेश ठाकुर लक्ष्मी ठाकुर महिषासुर और साथ में वाहन सारे के सारे और ये है मम्पू की एक दादा अमित दादा और अमित दादा की दादागिरी थोड़ी बहुत यहाँ पे चल रहा है सबको मार पड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग गायब थे काम के टाइम अभी यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हैं तो मार पड़ रहे हैं तो नवमी का दिन बहुत अच्छा रहा हमारा सीमा दी के घर और आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं तो चले बाहर देखते हैं सब लोग कहाँ पे हैं तो अभी मून फोटो ले रहे हैं बच्चों की और ये तीन बच्चे इसमें एक प्रिंस है एक ईशान है और एक दादा है ईशान मम्पू की दीदी की बेटा तो आज है फाइनल डे यानी दशमी दशमी के दिन माँ दुर्गा को वरण करने के बाद हम सब विदा देते हैं और आज के दिन सारे जो स्त्रियाँ वो सब माँ को ऐसे वरण करते हैं सिंदूर लगाती हैं एक दूसरे को भी लगाती हैं तो सीमा जी लाइन पे खड़ी है बहुत भीड़ है अभी तो हम सब यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत भीड़ है यहाँ पे क्योंकि सीमादी के जो पड़ा है बहुत बड़ा है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है तो एक एक करके सब वर्णन करेंगे और क्योंकि मैंने जो बोला कि एक साल तक हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं करने वाले हैं तो मम्पू अभी बैठी है क्योंकि वो दुर्गा माँ को छूना नहीं चाहती अरे बा सच में बहुत आनंद है इस त्यौहार में तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह हम सब ने हमारे जो मेगा फेस्टिवल दुर्गा पूजा वो इस तरह मनाया है कोशिश किए हैं कि
के अपनों के साथ सुख के दो पल बिताएं। और शुरू तो हुआ था बहुत ही कठिनाई के साथ, लेकिन आखिरकार हम सब जीत गए हमारी उम्मीद जीत गए, तो हम सब बहुत एंजॉय कर पाए। तो साल में एक बार अगर ये मिस हो जाता तो बहुत दुख होता। तो माँ दुर्गा का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है कि बच्चे ठीक हो गए हैं। तो होप करती हूँ आप सब एंजॉय किए हो। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।